दिल्ली होमगार्ड्स के लिए जो कल डिसीजन आया उसको किस तरह से देखते हैं सर? और देखिए, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और मेरे साथ नवलेंद्र भूषण जी हैं और एकता जी हैं मेरे साथ, और हम सब लोग एडवोकेट्स हैं। हम सब लोगों ने इन वर्कर्स का केस लड़ा है। होम गार्ड जितने हैं ये 1433 लोग हैं, इनकी तरफ से मुकदमा लड़ा है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मुकदमे के अंदर मुकदमा इनके फेवर में डिसाइड किया है, और उस मुकदमे के अंदर अपने जजमेंट में उन्होंने 31 पेज का जजमेंट है, उसमें कहा है कि एक तो ये वॉलेंटियर्स नहीं हैं, ये निष्काम सेवा नहीं कर रहे हैं, ये वर्कर हैं, तो ये वॉलेंटियर्स नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी ये बॉम्बे एक्ट है इनका, ये इसके इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इनके ऊपर अप्लाई करता है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ये 60 साल इनकी नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कोई इनको हटा नहीं सकता है। और तीसरी बात जो कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि 1/4/2016 से MTS का जो रेगुलर पे स्केल है, सारे अलाउंसेस के साथ HRA, CCA, वॉशिंग अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, जो भी अलाउंसेस होते हैं, सारे के सारे अलाउंसेस इनको मिलेंगे। और जो रेगुलर आदमी की सर्विस कंडीशन होती है, जो बेनिफिट्स भी रेगुलर आदमी को मिलते हैं इस संस्था के अंदर, वो सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे 1/4/2016 से। तो 1/4/2016 से MTS की तनख्वाह मिलेगी, पे स्केल मिलेगा 1800 का जो ग्रेड है उसके अंदर, विथ ऑल अलाउंसेस। ये नहीं है कि उसमें 4 अलाउंसेस देंगे और 4 अलाउंसेस नहीं देंगे, जैसे अभी HRA नहीं देते, इंक्रीमेंट नहीं देते, MACP नहीं देते, ये सब चीज़ें नहीं देते, और भी बहुत सारे अलाउंसेस नहीं देते, तो सारे अलाउंसेस देंगे। आज मेरे ख्याल से आपके यहाँ जो MTS है उसको तकरीबन 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और इन लोगों को 24-25,000 रुपये तनख्वाह मिल रहे हैं, तो तनख्वाह डबल हो जाएगी आपकी। मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 25 से 50,000 रुपये हो जाएगी। और हर समय जो आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि आज नौकरी रही या कल नौकरी रही, अब 60 साल तक आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। अपनी फिटनेस ठीक रखिए ताकि 60 साल तक आप काम करते रहें। और आप वर्कमैन हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप कोर्ट में आ सकते हैं। सर, नई वैकेंसी सरकार की तरफ से निकाली हुई है, इस फैसले से उस पर कितना असर पड़ने की ये दया किस तरह से रहेगा? देखिए, मेरे जो मुझे समझ में आता है तकरीबन 10,000 कुछ वैकेंसीज हैं, उसमें से 8,000 के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी रह गई 2,000। वो 2,000 वैकेंसी जो है सरकार भर्ती कर सकती है, और बाकी जो ये 1500 लोग हैं इनको तो कोई हटा नहीं सकता, कोर्ट का ऑर्डर है। और ये कोर्ट का ऑर्डर ऐसा अच्छा ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। अगर मैनेजमेंट इसको चैलेंज भी करता है तो मैनेजमेंट यहाँ भी हारा है, आगे भी हारेगा। ये 1500 लोगों में जो सरकार कहती है कि फिटनेस का बड़ा सवाल है, सर आप भी फिटनेस का मुद्दा उठा रहे हैं, तो किस तरह से इसको फिटनेस, जो मेरा कहने का मतलब फिटनेस है कि भाई ब्लड प्रेशर ठीक हो, बाकी जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, आंखों से दिखाई देता हो, हैंडीकैप ना हो, एक नॉर्मल तरीके से जो हेल्दी होता है वो हेल्दी होना चाहिए, इतना ही मेरा मतलब है।